तो इमिग्रेंट्स की मैंने कई वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर की है कि बहुत मुख्तलिफ किस्मों की किस्म के इमिग्रेंट्स आपको जर्मनी में मिल जाएंगे, मुख्तलिफ मुख्तलिफ रीजन से और मराहल से होते हुए वो जर्मनी में आए हैं। तो मोर और लेस मैं ये आप लोगों को कहूँगा, जो आप जो हम लोग इससे सीख सकते हैं, जो मुझे लगता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब आप जर्मनी आएंगे तो यार प्लीज़ इस बात में मत जाना कि अपनी कंपनी जब आप चूज़ करेंगे कि इस नेशनैलिटी के साथ, क्योंकि ये मैंने अक्सर देखे कि ये भी एक चीज़ बेची जाती है कि भाई देसियों को कहते हैं कि देसी के पास मत जाना, देसी के साथ मत रखना, या अगर वो कोई जैसे ये कह रहा है टर्किश है तो टर्किश टर्किश के पास ना रहे, अपने लोगों के साथ मत जाना। इसमें जो है ना, मैं इससे नहीं एग्री करूंगा इस बात से। आपने जो अपना सोशल सर्कल बनाना होगा जर्मनी में, तो आप उन लोगों के साथ सोशल सर्कल बनाएं इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट क्योंकि नेशनैलिटी क्या है या उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी पर्सनैलिटी क्या आपके साथ मैच करती है या नहीं, क्या आप लोग एक दूसरे को कोई वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, कोई फायदा एक दूसरे को दे सकते हो या एक दूसरे से उठा सकते हो इन ए गुड सेंस, इन ए पॉजिटिव सेंस, कि एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। एक तरह का आपका गोल्स हैं, एक तरह के आपके विजन्स हैं, एक तरह के आप एम्बिशियस हो, कोई भी आप लोगों की कॉमनैलिटीज हैं, इस बेस पे आप अपने जो है वो दोस्त या सोशल सर्कल आपका, आप उसको कह लो, वो आप अपना सेलेक्ट करना जर्मनी के अंदर। अगर आप यही सिर्फ कहोगे कि नहीं, या तो मैं कंप्लीटली अपनी कम्युनिटी में रहूंगा या मैं बिल्कुल ही इसके 360 ऑपोजिट चला जाऊंगा और अपनी कम्युनिटी में बिल्कुल भी नहीं रहूंगा, क्योंकि वो फिर एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं सारे, या पॉलिटिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ, मैं बिल्कुल ही उनसे कट ऑफ हो जाऊंगा, ये दोनों ही बहुत एक्सट्रीम्स हैं। आपको अच्छे लोग अपनी कम्युनिटी में भी मिल जाएंगे जो हेल्प करने वाले होंगे आप लोगों के। मैंने जैसे एग्जाम्पल दी अपनी कि मैं ही तो कर तो रहा हूँ सब लोगों के साथ ये हेल्प ही है ना, मैं फुल टाइम जॉब तो नहीं है कर रहा, मुझे तो इससे क्या अभी तक बेनिफिट मिल रहा है, मैं तो अपना पर्सनल टाइम लगा रहा हूँ अपनी फुल टाइम जॉब के अलावा वीडियोज़ बनाने में, एडिट करने में, और 250 से ऊपर वीडियोज़ अभी तक बना दी। तो इस चीज़ को आप लोग देखना कि जब आप अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे होगे, तो कोई भी वो कंट्री का इमिग्रेंट हो सकता है, जो आपकी बायसेस हैं, हम सब की यार स्टीरियोटाइप्स होती हैं मुख्तलिफ कंट्रीज के बारे में, ठीक है, लेकिन जब आप आओगे यहाँ पे, आप उनसे मिलोगे, तो आपको मोर और लेस पता लग जाएगा कि हाँ यार एट दी एंड ऑफ द डे सब एक ही हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को इस चीज से बचा सकते हो, जैसे इसने कहा कि टर्क्स टर्क्स को पसंद नहीं करते, तो इंसान की इंडिविजुअलिटी के ऊपर, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर जाके उसको देखना, उसको परखना इस तरह से, और फिर अपना सोशल सर्कल बनाना। तो ये मेरा टेक होगा इस पॉइंट के ऊपर। जो पॉइंट मैंने आपको बताया था शुरू में डिस्कस करूंगा वो है इमिग्रेशन ऑफिसर्स वाला। इस पॉइंट के अंदर इसने कहा है कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं दे ट्रीट यू लाइक अ रियल पीस ऑफ शिट। ये एक काफ़ी डिटेल्ड पॉइंट है, इसके ऊपर नेक्स्ट जो मेरी एपिसोड होगी इस थ्रेड की, उसके ऊपर मैं डिटेल से बात करूंगा और मैं आप लोगों को अपना रिएक्शन और अपना ओपिनियन उसके ऊपर दूंगा। इस वीडियो के अंदर अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई आप लोगों का क्वेश्चन है या कोई आप चीज़ शेयर करना चाहते हैं जर्मनी के हवाले से, तो ज़रूर कमेंट्स में लिखें ताकि सब लोगों की हेल्प हो सके। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो इंस्टाग्राम फैमिली है उसको भी आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैं डेली इंस्टाग्राम के ऊपर भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें लाइफ इन जर्मनी के हवाले से भी शेयर करता रहता हूँ, वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। लिंक आपको इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एंड में मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।